नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या बीजेपी अपने दो बड़े एजेंडों को पूरा करने के बाद अब तीसरे बड़े एजेंडे को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अगले दो महीनों में आ सकती है। उसके ड्राफ्ट बिल के आधार पर बीजेपी शासित अन्य राज्यों, यहां तक कि केंद्र में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता के अलावा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, ये बीजेपी के तीन प्रमुख एजेंडे शुरू से रहे हैं। इनमें दो पर आप देख सकते हैं कि टिक लग चुकी है, यानी राम मंदिर, अनुच्छेद 370। लेकिन अभी समान नागरिक संहिता का मुद्दा बाकी है और माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसी की बारी है और इस पर कोई फैसला मोदी सरकार कर सकती है। और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह मामला है क्या और कब से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो भी कह चुकी है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून। हम भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में है, केंद्र सरकार ने यह कोर्ट में कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, यानी इस बारे में संसद ही कानून बनाएगी। आपको बताएं कि उत्तराखंड की कमेटी के गठन को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि केंद्र सरकार को अब उत्तराखंड की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगले दो महीने में उत्तराखंड की कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है, इस बात की संभावना है। और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर एक मॉडल कानून बन सकता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर एक मॉडल कानून बन सकता है। और यही मॉडल कानून जो है, इसको अन्य बीजेपी शासित राज्यों में और फिर पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। तो यह इसीलिए काफी मंथन चल रहा है कि जो उत्तराखंड की रिपोर्ट है वो इस तरह की हो कि उसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी कानून बन सके। और इस मामले को आपको यही बता दें कि विधि आयोग भी देख रहा है। ये बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताई थी कि विधि आयोग इसमें अपनी रिपोर्ट देगा। और कमेटी ने आपको बताया कि हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श किया है। उत्तराखंड की कमेटी की हम बात कर रहे हैं और यहां पर काफी व्यापक विचार विमर्श किया गया है। अब तक करीब 2.5 लाख सुझाव उत्तराखंड की इस कमेटी को मिले हैं और बहुविवाह को छोड़कर कोई भी प्रावधान धार्मिक आधार पर नहीं है। ये बात जो कमेटी से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें इसको धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो प्रावधान है वो धार्मिक आधार पर नहीं है। केवल बहुविवाह एक ऐसा प्रावधान है जिस पर कि आप धार्मिक चश्मे से उसको देख सकते हो। और महिलाओं के समान अधिकार और बच्चों की संख्या, इन सब पर बात हो सकती है। समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप, इन तमाम मुद्दों पर भी एक समान कानून की वकालत संभव है। हम सब जानते हैं कि समलैंगिक विवाह को लेकर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई भी चल रही है। और साथ ही यह भी कहा गया कि व्यापक विचार विमर्श इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और यही बात सरकार भी कहती आई है। और इसलिए जो पिछला विधि आयोग था उसने भी देशभर में इसको लेकर के हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श किया था। और इसके साथ साथ जो बीजेपी शासित राज्य हैं, गुजरात सरकार की अगर बात करें तो वहां पर भी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी। और उत्तराखंड कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने से जो अन्य राज्य हैं बीजेपी शासित राज्य, जहां पर कि खासतौर से इस मुद्दे को गरमाया जाता है चुनाव से पहले, वहां पर कानून बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा जानकार कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि उसी ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर केंद्र भी पूरे देश के लिए कानून बना सकता है। तो माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस मुद्दे पर, यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी, ये हमें सूत्र जो है इशारा कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रतन शारदा भी संभावना की थोड़ी देर में हमसे जुड़े हैं। लेकिन डॉक्टर शोएब जमई, आपसे समझना चाहेंगे आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब उत्तराखंड की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी का कि आपने बात रखने के प्लेटफॉर्म दिए। देखिए, ये सरासर एक राजनीतिक एजेंडा है
और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई लीडर्स जो राज्य स्तरीय लीडर्स हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो खुद इसका विरोध करते आए हैं। और अगर इस पर वाकई में कोई गंभीरता होती तो राज्य दर राज्य के बुनियाद पर नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर यूसीसी के तहत एक कोई ड्राफ्ट हमारे सामने होता। लेकिन पिछले 10 साल मोदी सरकार रहने के बावजूद भी कोई ड्राफ्ट हमारे सामने केंद्रीय स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है जो पार्लियामेंट के टेबल पर रखा गया हो। जी मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यूसीसी के बारे में क्या आप नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ऐलान कर पाएंगे, जहां पे आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां जनजातीय कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है, जिनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, क्या गोवा में आप यूसीसी की बात कर पाएंगे? गोवा में तो है मेरे ख्याल से, नहीं कर पाएंगे, उनकी सरकार है, किसको करेंगे? दयाबागा इंस्टीट्यूट ऑफ ये थॉट्स को करेंगे या मिताक्षरा इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट्स को करेंगे? जी। गोवा में हम जाएंगे तो पोर्तुगीज फैमिली है, एक्ट्स हैं, गोवन प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं, पंजाब में सिखों की शादी के कुछ अलग तरीके हैं, उसके डाइवर्स प्रॉपर्टी के डिविजन, सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है ये, एक हवा मुसलमानों को खड़ा करके या एक सामने चेहरा ला के दाया लगाया जाता है कि देखिए मुसलमान ही सिर्फ यूसीसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस देश के विभिन्न जातियां संप्रदाय हैं जो ये चाहती है कि उनको अपनी अपनी आजादी से अपने अपने मान्यताओं और धर्म के पालन करने की आजादी हो। जी भारतीय जनता पार्टी को डाइवर्सिटी पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू, लेकिन लेकिन डॉक्टर लेकिन डॉक्टर जमाई ये जो बात है ये तो हमारे संविधान में लिखी है, हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत तो उसमें ये कहा गया था कि एक सुनिश्चित किया जाए कि समान नागरिक संहिता हो, ये बात तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी लिखी और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर मोहर लगाता है। लेकिन मैं डॉक्टर रतन शारदा को इसमें लाना चाहूंगा, आपने डॉक्टर जी जी डॉक्टर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर शारदा के पास मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर शारदा आपको लगता है कि ये जो आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का, इसका समय अब आ गया है, और क्या जैसा कि डॉक्टर शुएब कह रहे हैं कि क्या ये केवल राजनीतिक सियासी दांव है? देखिए इन्होंने खुद स्वीकार किया अखिलेश जी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये राजनीतिक मामला, और इन्होंने कहा कि केवल मुसलमान भड़कते हैं, तो मेरा उसका प्रश्न है कि बाकी माइनॉरिटीज क्यों नहीं भड़कती, बाकी जो भी कम्युनिटीज है क्यों नहीं उनके मन में कोई चिंता होती जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, केवल मुस्लिम समाज के अंदर इन लीडरों को क्या होती है? मुस्लिम समाज को है कि नहीं मुझे नहीं पता। ट्रिपल तलाक में भी ये मौलवी चिल्ला रहे थे, महिलाएं खुश थी। अब मेन बात आती है, जैसे आपने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया एज सुन एज पॉसिबल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि एक जो पाश्चिमात्य सेक्युलरिज्म की हम डेफिनेशन मानते हैं इस देश के अंदर, कम से कम संविधान जिन्होंने बनाया उसके अंदर कोई भी विशेषाधिकार किसी भी जाति को नहीं होने चाहिए, समाज के किसी वर्ग को नहीं होने चाहिए, कुछ स्पेशल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया रिजर्वेशन के तौर पे, और भी कुछ विशेषाधिकार माइनॉरिटी के नाम पे इनको मिले, वक्फ बोर्ड मिला, चर्च के लिए स्पेशल लॉज मिले, हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, तो यह जो स्पेशल अधिकार इनको मिले वो तो अभी जान ही रहे। लेकिन अगर हम सेक्युलरिज्म मानते हैं तो सभी समाज के लिए कानून क्यों ना हो? इन्होंने गोवा का नाम लिया, इनको शायद भूल गए, इनको पता ही नहीं है कि गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और क्या केवल प्रश्न हिंदू का है? इनको कैसे पता कि जो यूसीसी की बात चल रही होगी हिंदुओं के बारे में होगी, बाकी जाति के बारे में नहीं होती? इनको पता है कि क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर डाइवोर्स बड़ा मुश्किल है, महिलाओं के लिए बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, इनको नहीं पता? एबॉर्शन के अंदर क्रिश्चियन महिलाओं को प्रॉब्लम है, इनको नहीं पता, क्योंकि अपने चश्मे के बाहर ये देखते ही नहीं है। और अगर डॉक्टर शायद उनका एक वैलिड पॉइंट ये भी है कि जो कई सारे हमारे ट्राइब्स हैं, हमारे अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, क्या ये उनके रीति रिवाज में, उनकी परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में दखलंदाजी नहीं होगी? डॉक्टर शारदा माफी चाहते हैं, डॉक्टर शारदा का ऑडियो हम तक अभी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन डॉक्टर शुएब जो बात डॉक्टर शारदा कह रहे हैं कि क्यों बार बार ये हवा खड़ा किया जाता है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ है, जबकि साफ सी बात है कि ये तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी परिकल्पना है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। देखिए एनडीटीवी एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कभी अनर्गल बातें नहीं करते जी। मैं बहुत फैक्ट्स के साथ एक बात रख रहा हूँ, जो एक हवा बनाया जाता है कि देखिए मुसलमानों में बहु विवाह हो रहा है। आपको पता है 2011 का जो सेंसस हुआ तो उसमें एक स्पेशल कॉलम था जिसके तहत सरकार ने एक आंकड़े जारी किए जिसके मुताबिक जो बहुविवाह जैसी प्रथा है जिसमें एक टाइम में दो शादियां होने का,
वो हिंदुओं में भी बहुत बड़ी संख्या में व्याप्त है। 1.8% अगर मुसलमानों में है तो 1.6% हिंदुओं में भी है। गैर कानूनी है लेकिन हो रहा है। लेकिन क्या महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनकी समानता के लिए जरूरी नहीं है कि इस प्रथा को या कुप्रथा आप कहें इसको खत्म करना चाहिए? डॉक्टर शारदा आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई थी, तब ऑडियो खत्म हो गया था। जी डॉक्टर शारदा अपनी बात पूरी कर ले। जो बात डॉक्टर शोएब कह रहे हैं कि कई जनजातियां हैं जिनके अपने रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, क्या उनके निजी मामलों में दखल देना ये नहीं होगा? जो उनकी जीवन शैली है क्या उसको बदलना नहीं होगा? डॉक्टर शारदा, जब तक ड्राफ्ट नहीं आता हम कैसे मान लें कि विशेष जनजातियों के लिए कुछ किया गया नहीं किया गया, सिख समाज के लिए कुछ किया गया नहीं किया गया, उसके ऊपर केवल हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अफवाह बना दें और उसके ऊपर दंगा मचा दें, बिल्कुल बहुत बड़े तौर पे शाब्दिक दंगा भी कर ले, मुझे समझ नहीं आती। इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा कैसे मान लिया? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो इसमें ये मौलवियों को क्या संकट है, मुझे समझ नहीं आती। क्या महिलाएं सेकेंड क्लास सिटीजन रहेंगी शरी के अनुसार? अगर नहीं तो उनको अधिकार देने पर ट्रिपल तलाक में इन्होंने विरोध किया। इन्होंने ऐसे सीएए का विरोध किया जिसके अंदर भारतीय मुसलमान के विरुद्ध कुछ भी नहीं था, बाहर के मुसलमान के विरुद्ध था। तो केवल एक अपने समाज को डराकर रखना और उस समाज को डराकर इस प्रकार का विभ्रम पैदा करना जो सीए में किया, जो 370 में किया, जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कह रहे हैं, मेरी से प्रार्थना है कृपया ड्राफ्ट जब तक आता नहीं तब तक आप अपने खून गर्म मत करें। दूसरी बात, सभी के लिए अगर आप सेक्युलरिज्म को मानते हैं तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना चाहिए। या तो कि आप सेक्युलरिज्म को नहीं मानते शरिया को मानते हैं, शरिया को मानते हैं तो शरिया की क्रिमिनल लॉ भी ले आइए, फिर हर नागरिक को हक दीजिए उनको शरिया के अंदर जाने का, क्रिमिनल लॉ भी वही होगा, हाथ पैर भी कटेंगे और हलाला भी होगा सब जी। डॉक्टर शारदा जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर शुएब जमाई आप जवाब देना चाहते हैं कि एक बार कम से कम जो ड्राफ्ट है वो आ जाए, उसके जो बारीक बारीकी है उसको देख लिया जाए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा की जाए। और जहां तक सुझाव की बात है तो जो उत्तराखंड की बात है, हम बता रहे हैं आपको कि 2,40,000 से ज्यादा सुझाव उत्तराखंड में इस कमेटी को मिल चुके हैं। क्या भारतीय संविधान का जो मौजूदा प्रारूप है क्या वो सेकुलर नहीं है? क्या 1937 में जो शरिया एक्ट बना था वो कोडिफाइड नहीं किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपनाया नहीं गया था? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रतन शारदा से, आरएसएस, क्या आप समलैंगिकता का जो कानून है जिसमें मर्द मर्द शादी कर सकते हैं, औरत औरत शादी कर, आरएसएस का इसके क्या विचार है? क्या मोहन भागवत जी मंच से कह पाएंगे कि हाँ समलैंगिक शादी होनी चाहिए? आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे? बताइए, 27 लाख हिंदू महिलाएं हैं जिनको उनके, लेकिन क्या ये मुद्दे भी इसके जरिए हल नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर शारदा, जो समलैंगिकता को लेकर चर्चा हो रही है, जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर चर्चा हो रही है, क्या इन सारे मुद्दों का समाधान इससे नहीं मिल सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? नहीं नहीं, आरएसएस बताए ना ऑफिशियल स्टैंड क्या है? एक मिनट सुन लेते हैं डॉक्टर शारदा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर जमाई उनको सुन लेते हैं। जी जी डॉक्टर शारदा, आपका यही समस्या है, लाते बहुत है सुनते कम है। समलैंगिकता ये क्रिमिनल नहीं होगी, ये किसने इसके बारे में बोला? संघ ने स्पष्ट बोला कि समलैंगिकता क्रिमिनल नहीं हो सकती। हिंदू हिंदू इतिहास में, हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट है कि तृतीय वृत्ति होती है और वो जिसकी वृत्ति होती है उसको क्रिमिनल कहा जा सकता, उसको समाज में स्थान है, उसके कारण बाद में क्रिमिनलाइजेशन नहीं हुआ। आप तो लगातार विरोध कर रहे थे ना, आप आज भी विरोध कर रहे हैं। अब आप बात तो कहां से कहां लेकर जा रहे हैं डॉक्टर जमाई, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूसीसी के ऊपर, आप आरएसएस के ऊपर चर्चा करने लगे। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है डॉक्टर शारदा, डॉक्टर जमाई उसको इस प्रकार से एड्रेस करना सही है। जी जी जी, माफी चाहता हूँ, समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए, और कम से कम ड्राफ्ट रिपोर्ट आ जाए उसके बाद हो सकता है कि चर्चा को ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक में आग लगने की वजह आतंकी हमला बताई जा रही है। आतंकियों ने भारी बारिश का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर हमला किया। संभवतः ग्रेनेड हमले की वजह से ट्रक में आग लगी जिसमें झुलसकर 5 जवानों की जान गई। एक जख्मी जवान को राजौरी में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, पहले तो जो जानकारी आई थी उसमें कहा गया था कि बिजली गिरने के कारण ये ट्रक में आग लगी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी हमला है। आप बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि शुरुआत में जो सेना की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक जो है कहा यह गया था कि बिजली गिरने की वजह से आग लगी, लेकिन अब सेना की ओर से कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है, नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जानकारी दी गई है कि राजौरी सेक्टर में बिंबरगरी और पुंछ के पास दोपहर 3 बजे की घटना है और आग लगने की वजह जो बताई गई है आतंकियों द्वारा गोलाबारी बताई गई है।
और आतंकियों ने जो गोलाबारी किया उस दौरान भारी उस इलाके में बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने फायरिंग की और वो फायरिंग जो की वो ग्रेनेड से कह सकते हमला किया और इसी वजह से आग लगी और इस तरह से आग फैल गई कि सेना के जवान उससे बाहर नहीं निकल पाए और इस वजह से हमारे 5 जवानों की मौत हो गई और एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल है। इलाके की जहां तक बात करें यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल LC जो इलाका है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी विंबर गली से अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल हार्डली कहीं 2 किलोमीटर होगा 1 किलोमीटर होगा, यानी पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। सेना का कहना है कि उस पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है, कार्रवाई जारी है ताकि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, आतंकियों ने जिस तरह की कायराना हरकत की है उसको जवाब दिया जा सके। जी और राजीव, जो जवान इनकी आप बता रहे गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में सेना आपको क्या बता रही है? देखिए सेना की ओर से जानकारी दी गई कि वो गंभीर रूप से घायल हैं और राजौरी में जो सेना का अस्पताल है वहां एडमिट किया गया है, हर संभव जो है उपचार उनको दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनकी मतलब उनको बचाया जा सके लेकिन उनकी हालत गंभीर है। सेना का ये कहना है कि फिलहाल हमारा फोकस बस दो ही चीज है कि जो जवान गंभीर रूप से घायल है उनको किसी तरह ठीक किया जा सके, बेहतर उनको मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दूसरी बड़ी बात, जिन आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत की है उसकी तलाश में पूरे एरिया में घेराबंदी करके ऑपरेशन जारी है। थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि वहां विजिबिलिटी बहुत कम है, भारी बारिश है और ये हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जो है सीमा पार से क्रॉस करके आए हो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी निश्चित तौर पर ये एक जो आप संभावना का जिक्र कर रहे हैं राजीव, और आज ही ये खबर भी आई थी कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो मई के पहले सप्ताह में भारत यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी एक सवाल उठता है राजीव कि जो सेना के जवान थे ये कहां जा रहे थे और किस तरह की इनकी ड्यूटी थी, और ये भी एक बात कही जा रही कि क्या मौसम खराब था इस कारण इसका पता नहीं लग पाया कि आतंकी जो घुस आए हैं और इस तरह का हमला करने वाले हैं। देखिए सेना के जवान यहां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी के दौरान ये तैनात थे और ये नेशनल हाईवे है, जम्मू से पुंछ जो रास्ता जाती है उसी रास्ते में पड़ता है, राजौरी से और पुंछ के बीच का बिल्कुल कह सकते हैं बिंबर गली जो जगह है वहां पर ये घटना हुई है और यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग होता रहता है, रोड ओपनिंग भी होती है सेना की तरफ से, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बिल्कुल सटा हुआ है, सेना का यहाँ ब्रिगेड भी है, सब कुछ है, तो यहाँ लगातार ड्यूटी में ऑपरेशन में सेना के जवान तैनात रहते हैं और कई बार ये अक्सर देखने में आया है कि जब भी जो है पाकिस्तान के कोई बड़े अधिकारी दिल्ली आना होते हैं तो एक जो एलिमेंट होता है पाकिस्तान का एलिमेंट होता है आतंकियों से जुड़ा हुआ वो इस तरह की कायराना हरकत करता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के।